सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एक्टर की सुसाइड के लगभग 40 दिन बाद पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री और JDU नेता महेश्वर हजारी ने इस केस पर टिप्पणी करते हुए रिया चक्रवर्ती को सुपारी किलर करार दिया है। महेश हजारी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती एक सुपारी किलर के रूप में सुशांत की जिंदगी में आई और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, सुशांत के पैसे तक ट्रांसफर करवा लिए। अब साफ नजर आ रहा है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। रिया चक्रवर्ती को विषकन्या की तरह साजिश के तहत सुशांत के पास भेजा गया था। साथ ही JDU नेता ने ये भी कहा कि सुशांत की मौत के पीछे एक बड़े गैंग का हाथ हो सकता है जिसने प्लान करके सुशांत की हत्या का खेल खेला। इस मामले में पूरी हकीकत की जरूरत है। महाराष्ट्र पुलिस सही दिशा में जांच नहीं कर रही है, इसलिए इस केस में CBI की जांच होना जरूरी है। बिहार सरकार सुशांत के परिवार के साथ है और हम उन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे। न्यूज डेस्क।